अब तक आपने देखा कि गांव में एक चुड़ैल लोगों को बहुत परेशान कर रही है। कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं कि भूत प्रेत होते हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्मा और कोई नहीं बल्कि दिव्या की आत्मा है। वहीं एक आत्मा आदि को भी बहुत परेशान करती है, उसे डराती है, धमकाती है और उससे शादी करने का बोलती है, जबकि आदि उसे शादी करने के लिए मना कर देता है, जिसके कारण आदि की मौत हो जाती है। फिर भी चुड़ैल है कि लोगों को परेशान करना बंद नहीं करती, वह कुछ न कुछ करती ही रहती है। वह सुहाना सुजालपुर गांव अब चुड़ैल का डेरा बन चुका है। वहीं दिव्या की खुशहाल गृहस्थी बसी हुई है, जो अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन यापन कर रही है, लेकिन गांव में कुछ जल कुकड़े लोग उसे बहुत परेशान करते हैं और होती रहती है कुछ अनहोनियां, कुछ डर, काला साया और चुड़ैल का आतंक जो उस सेठ को भी मार डालती है। अब आगे भाग 3। उसी गांव में आदि नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी बुरी नजर दिव्या पर थी। आदि शादीशुदा था, उसकी दो बेटी और एक लड़का भी था, पर उस गिरगिट की प्रवृत्ति वाले इंसान को कोई पहचान ना पाया। उसे अपनी पत्नी के मुकाबले दिव्या ज़्यादा अच्छी लगती। वह गोपाल से आते जाते थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था, पर उनकी कोई गहरी मित्रता ना थी। गोपाल हमेशा उसके खेत के सामने से गुजरता था। उसने कई बार दिव्या को भी जाते हुए देखा, और जब से उसने दिव्या और गोपाल की जोड़ी देखी, उसे लगता था कि यह तो ऊंट बेल की जोड़ी है। उसके मन में ख्याल आया कि दिव्या तो उसके लायक है, न कि उस गोपाल के लायक। कहाँ वह काला कलूटा और कहाँ सुंदर सी परी। और फिर क्या था, वह आते जाते गोपाल को रोज बुलाता और दिव्या के खिलाफ उसके कान भरता, और जब दिव्या खेत पर जाती तो वहाँ अपने घर पर जाकर उसकी पत्नी और माँ को भी आलतू फालतू की बातें बोलकर दिव्या के खिलाफ भड़काता। वही बात घुमा फिराकर फिर आदि की माँ दिव्या की सास को सुनाती, और ऐसे ही दिव्या के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। आदि की पत्नी भी दिव्या को अच्छी औरत नहीं समझती। उसने मन में सोच लिया, यह तो बदचलन है। आदि हमेशा ताक में रहता कि कब उसे दिव्या अकेली मिले और वह उसे बहकाए, पर उसकी दाल ना गली। पर उसने कई लोगों को भड़का कर दिव्या के खिलाफ जहर जरूर घोल दिया। गांव के कुछ लोगों को तो पहले से ही दिव्या से बहुत जलन थी, और आदि ने उन सब में घी डाल दिया। आदि गोपाल को यह दिखाने लगा कि दिव्या बदचलन है। वह आए मौके दिव्या को परेशान करता और दूसरे लोगों को पैसे दे देकर भी दिव्या को परेशान करने का बोलता। इन सब से परेशान गोपाल ने दिव्या को खेत पर जाने से मना कर दिया और घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। सुनो, अब तुम कभी भी घर के बाहर नहीं जाओगी, घर में ही रहो। तुम्हें किस बात की कमी है जो खेत पर उठ उठ के जाती हो? जी किसी बात की कमी नहीं है, मैं तो सोचती हूँ कि बस काम में थोड़ा सा हाथ बटा दूँ। काम में हाथ बटाना चाहती हो या फिर लोगों को ताकने चाहती हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी करतूते। घर पर भी थोड़ी देर रह जाओ तो यार ताकने आ जाते हैं। हाँ माँ, और खेतों पर तो देखो रोज कोई ना कोई मिलने आता है इससे। ऐसे ही लखन के कारण तो बाप ने हमारे माथे मल दी। इज्जतदार होती तो किसी और घर जाती। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपका हाथ बटाने चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है हाथ बटाने की। अरे गोपाल देखो तो सही, कितनी सीधी बन रही है। यहाँ घर पे भी रहेगी तो कौन से शरीफ बन के रहेगी। न जाने थोड़ी देर अगर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया तो न जाने किस किस को बुला लेगी ये। अरे माँ आप ही गलत समझ रही हो, गाँव के लोग तो वैसे ही मेरे से जलते हैं। गाँव के लोग ऐसे ही नहीं जलते,
जरूर कोई ना कोई कांड करी होगी, वरना तू कौन सी जन्नत की हूर है जो लोग तुझसे जल के बातें बनाए। मुझे तो पहले ही शक था गोपाल कि यह बच्चलन होगी, लेकिन मैं तो इसके मासूम से चेहरे पर चली गई। कुछ नहीं माँ, आज के बाद यह घर के बाहर नहीं जाएगी। जो भी काम है यह घर पर ही करेगी। इसे घर पर ही इतना काम बता दो कि यह फुर्सत में रहे नहीं और किसी को ताके नहीं। फिर क्या था, दिव्या दिन रात काम में लगी रहती। उसकी सास उसे न जाने कैसे कैसे काम लाकर पकड़ा देती, जिससे उसे कभी फुर्सत रहती ही नहीं। एक दिन शांति घर के बाहर किसी काम से गई और आदि ने उसको जाते हुए देख लिया। आदि को पता था कि वह पंचायत में गई है और वहाँ पर उसे बहुत टाइम लग जाएगा। फिर क्या था, आदि को तो मौका मिल गया अपना उल्लू सीधा करने का और वह जा धमका दिव्या के घर। आदि ने दरवाज़ा खटखटाया तो दिव्या ने सोचा कि उसकी सास वापस आ गई है। उसकी सास बिना बताए जो गई थी। बिना सोचे समझे दिव्या ने दरवाज़ा खोल दिया और आदि उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। दिव्या ने भागने की कोशिश भी की, पर क्या था, आदि ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आदि की जबरदस्ती पर दिव्या का जोर न चला। वो चीखती रही चिल्लाती रही पर किसी ने नहीं सुना। पर थोड़ी ही देर में गोपाल आ धमका। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो खोला नहीं गया। थोड़ी देर बाद आदि ने ही दरवाज़ा खोल दिया। गोपाल दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो गया। यह क्या है आदि? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गोपाल, तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे बुलाया था। बोला घर पर कोई नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। मैंने सोचा शायद कोई जरूरी काम होगा और मैं इसके बहकावे में आ गया। मेरी कोई गलती नहीं गोपाल, मेरा विश्वास करो, मैं तो तुम्हें कब से पहचानता हूँ। देखो आप इसके बहकावे मत आओ, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तड़ाक करके गोपाल ने दिव्या के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। लोगों की बातों ने तो पहले ही दिव्या को बच्चलन साबित कर दिया था और आज उसका यह हाल उसे बहुत कुछ साबित कर चुके थे।
दिव्या की तमाम दलीलें बेकार साबित हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना दिव्या, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। थोड़ी देर में गोपाल की माँ भी आ गई और सारी बात उनको बता दी गई। फिर क्या था, घर का मामला मोहल्ले में पहुंच गया और मोहल्ले से पंचायत में। पंचायत में सभी जल कुकड़ों ने दिव्या पर अपनी खुन्नस निकाल ली, जो शायद दिव्या को ठीक से जानते भी ना थे। उन्होंने भी दिव्या के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कर दी। नतीजा, वह सबकी नज़रों में बदचलन साबित हो गई और सरपंच ने फैसला सुनाया कि गोपाल जो चाहे दिव्या को सजा दे सकता है। गोपाल के मन में दिव्या के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वह कुछ सोचने समझने को राजी ना था, और ऊपर से उसकी माँ और लोगों की वाहियात दलीलें। सबके कहने और बहकावे में आकर गोपाल ने फैसला लिया कि वह दिव्या की खूबसूरती ही मिटा देगा। तब दिव्या की सास ने उसकी दोनों बाजुएं कस के पकड़ ली और गोपाल अपने घर से एसिड लेकर आ गया। फिर क्या था, उसने आव देखा ना ताव और ज़ोर से सारा एसिड दिव्या के मुंह पर उड़ेल दिया। और यहीं से शुरू होती है दिव्या और चुड़ैल की कहानी। क्या दिव्या ही चुड़ैल है या चुड़ैल कोई और है? क्या सुजापुर गांव चुड़ैल के इस साए से मुक्त हो पाएगा या नहीं? अंत जानने के लिए इंतजार करिए बदला भाग 4 का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।